नमस्कार, मैं हूं दिबांग और आप देख रहे हैं अनकट विशेष। एबीपी न्यूज़ पर लगातार जो सर्वे आ रहे हैं, साप्ताहिक सर्वे आ रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। इस समय मेरे साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब के बड़े नेता अध्यक्ष भगवंत मान। बड़े मुद्दे क्या हैं इस बार? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, माफिया राज और जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, भाग रहे हैं हमारा यूथ, जहाज भर के विदेशों की उड़ारी मार रहे हैं। और खेती जो है वो नुकसानदायक धंधा हो गई, मजबूरी का धंधा हो गई। और व्यापारी जो है वो इधर उधर की स्टेट में अपनी इंडस्ट्री को लेके जा रहा है, उनको वापस लाना है। तो पंजाब को दोबारा पंजाब बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस नहीं बनाना हमने। ये एक और जो बड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है कि ड्रग्स बड़ा मुद्दा है खासतौर पर नौजवानों में? देखो, ड्रग्स को जो ड्रग्स मुद्दा है वो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो नौकरी भी करता हो और ड्रग्स भी लेता हो? क्योंकि उसके पास तो टाइम ही नहीं होता। वो आता है अपने दफ्तर से, बच्चों के साथ थोड़ा खेल के, उसके बाद खाना खा के सो जाता है, अगले दिन फिर जाना होता है। अब जब बेरोजगारी इस लेवल पर है तो पंजाबी में बोलते हैं बेला मन शैतानी का घर, तो ड्रग्स कहीं भी अवेलेबल है। तो इसलिए अगर रोजगार मिल जाए तो ड्रग्स जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। और नौजवानों को अगर फ्यूचर, कुछ लोग तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ नौजवान ड्रग्स लेते हैं कि क्या करें यार, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली लेकिन फिर भी कुछ नहीं बना, विदेश भी नहीं जा पाए, पैसे नहीं हैं उतने जितने एजेंट मांग रहे हैं। तो ड्रग्स मुद्दा है, लेकिन ड्रग्स के साथ जुड़े हुए मुद्दे अगर ठीक हो जाएं तो ड्रग्स भी ठीक हो जाएगी। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनको आप कैसे देखते हैं? अगर हम शुरू करें कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस तो जो है वो बिखर गई है। उनके तो मेरे ख्याल में इलेक्शन तक जाते जाते बहुत बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री ईडी की फाइलों में फंस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने करप्शन किया है। कैप्टन साहब ने खुद बोला था कि मेरे मंत्री, बहुत मंत्री मेरे माफिया में इन्वॉल्व हैं। उनकी फाइलें खुलेंगी, खुल भी रही हैं और जा भी रहे हैं। और ऊपर से उनकी आपस की लड़ाई, आपस की कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब की जनता की कोई फिक्र नहीं है। 100 दिन में सिर्फ ऐलान हुए हैं और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खंबे पंजाब के और पेड़, कोई बस ऐसी नहीं है जहाँ ऐलान वाला बोर्ड ना लगा हो, सिर्फ ऐलान हुए हैं। और हिसाब दे रहे हैं सिर्फ 100 दिन का। पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार आती है नई, वो अपने पहले 100 दिन का हिसाब देती है। ये कांग्रेस वाले हैं जो आखिरी 100 दिन का हिसाब दे रहे हैं। हिसाब 5 साल का मांगेगी जनता, जो कैप्टन के समय में पाप हुए, जो कैप्टन के समय में धोखे हुए, उनका भी हिसाब माना जाएगा। पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास डबल इंजन है, एक सिद्धू हैं, एक चन्नी हैं, दोनों मिलकर बेड़ा पार लगवाएंगे। नहीं, इंजन तो डबल नहीं, इंजन तो उनके पास कई हैं, लेकिन वो उनके मुँह एक दूसरे की तरफ हैं, वो आपस में टकराते रहते हैं। डब्बे नहीं है उनके पास, डिब्बे हैं नहीं, इंजन है, लेकिन इंजन आपस में टकरा रहे हैं। तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा। अब तो लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, ये तो बिखर गए। और कैप्टन साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया, और सिद्धू साहब कुछ और बोली बोलते हैं, जो चन्नी साहब ऐलान करते हैं अगले दिन सिद्धू साहब उसकी फूक निकाल देते हैं। अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, यानी एक ऐसा नेता जो सांसद रहा, छोड़ के आया, इस समय कांग्रेस में है, कैसे आंकते हैं आप नवजोत सिद्धू को और उनकी राजनीति को? अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन आम तौर पर ज़्यादा बोलते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। तो कई बार ऐसी बातें ही बोल दी उन्होंने जिन पर माफ़ी मांगनी पड़ी, लोगों में आक्रोश हुआ। जैसे पुलिस पर उन्होंने बोल दिया कि ये मेरा MLA है, अगर ये दबका मारे तो थानेदार जो है पुलिस का, उसकी पेंट गीली हो जाती है। तो मैंने कहा, देखो आप बड़े हो और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हो, देखो पुलिस के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल, ये फोर्स को डीमोलिज नहीं करना चाहिए। वही थानेदार हमारी रक्षा करते हैं हमारे घरों के सामने तंबू लगाकर। तो अगर ऐसा मतलब व्यवहार होगा उनके साथ, तो फिर दोबारा बोल दिया। अब तो पुलिस वालों ने मानहानि का केस भी किया 1-2 ने, कि आप हमें ऐसा नहीं बोल सकते, फोर्स है वो अपनी ड्यूटी करते हैं, आप अपनी ड्यूटी करो। तो इसका चन्नी साहब ने भी इसका विरोध किया है कि पुलिस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो चन्नी के भाषण का विरोध कर देता है, वो सिद्धू के भाषण का विरोध कर देता है, भाजपा कर देता है, कभी बिट्टू कर देता है। तो ये तो इस जो आपस में जो पंजाबी में इसको काटो क्लेश बोलते हैं, इस कशम कशम में फंस के रह गए। एक और जो कांग्रेस के बड़े नेता अगर आप कहें तो चन्नी जी,
यानी दलित नेता हैं, पहली बार एक दलित मुख्यमंत्री हैं, 32% आबादी राज्य में दलित है, कैसे आंकते हैं आप चन्नी को? देखो, चन्नी साहब जब आए, उन्होंने आते ही कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन दिन कितने बचे थे उनके पास? इतने दिन तो अब चन्नी साहब ये कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हमने 36,000 जो पक्के किए थे मुलाजम, उसकी फाइल जो है वो राज्यपाल के पास पड़ी है, हमें धरना देना पड़ेगा अगर साइन ना किए। तो फिर चन्नी साहब से मैं पूछता हूँ कि अगर फाइल अभी पास नहीं हुई थी तो आपने पूरे पंजाब में बोर्ड क्यों लगवाए कि 36,000 कच्चे मुलाजमों को पक्के किया? आप ये लिखवा देते वहाँ पे कि 36,000 कच्चे मुलाजमों की फाइल राज्यपाल को भेजी। अब कह रहे हैं जी नहीं जी, वो अभी पास नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि चन्नी साहब जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले गए जो पूरे तो हो नहीं सकते थे, तो कैप्टन साहब ने नहीं पूरे किए, इनके भी पूरे नहीं हुए, तो आपस की लड़ाई उनको काम नहीं करने देती। जो मुख्यमंत्री अपनी मर्जी का DGP नहीं लगा सकता, जो मुख्यमंत्री अपनी मर्जी का AG नहीं लगा सकता, तो उसके पास क्या है? हर दो DG बदल दिए, दो AG बदल दिए, तो चन्नी साहब को वो काम नहीं करने दे रहे। ये जानकार बोल रहे हैं कि पंजाब की जो जितने भी दल हैं एक जैसे हैं, सभी दल एक तरीके से धर्मशालाएं हैं बिना दरवाजे की, कोई भी किसी भी मौके पर मौका देखकर कहीं भी जा रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। नहीं, हमारी पार्टी में तो जो आ रहा है वो ज़्यादातर लोगों का विश्वास आ रहा है, और हमने अभी तक 96 टिकटें जो हमने दी हैं उसमें ज़्यादातर हमारे वॉलंटियर हैं काम करने वाले, ठीक है ना। और हम कोशिश ये करें कि विनिंग क्राइटेरिया रखें, और अभी तो कांग्रेस की टिकटें बटेंगी ना, अभी तो लड़ाई कुछ भी नहीं है इनकी, अब जब टिकटें बटेंगी तब देखना कि क्या होता है, क्योंकि इनमें लड़ाई बहुत बड़ी होती है। तो हमारी पार्टी की तो 100 के लगभग टिकटें हो चुकी हैं और हम तो अपने काम पर लगे हुए हैं। हमारे सतेंद्र जैन जी आते हैं, उनकी अलग टीम है, मनीष सिसोदिया की अलग टीम है, मेरी अलग टीम बनेगी, CM साहब की अलग टीम बनेगी, तो हम तो घर घर जाएंगे। एक जो बड़ा सवाल है, चूंकि आम आदमी पार्टी इस बात की घोषणा कर चुकी है, केजरीवाल जी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार सामने रखा जाएगा, क्या आप मुख्यमंत्री के पंजाब में सबसे बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से फिलहाल? देखो जी, बात ये है पार्टी डिसाइड करेगी। हाँ, ये बात है कि आम आदमी पार्टी पहली पार्टी और एक वन एंड ओनली पार्टी होगी पंजाब में 2022 के इलेक्शन में जो मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जाएगी। कांग्रेस नहीं जा रही है, ना चन्नी के चेहरे के साथ, ना सिद्धू के चेहरे के साथ, उनके पास चेहरे ही इतने हैं कि लड़ाई फिर बढ़ जाती है उनकी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अकाली दल बादल, वो तो घर से उन्होंने ऐलान करना होता है। तो BJP कभी मुख्यमंत्री का चेहरा देके नहीं लड़ती, तो इसलिए आम आदमी पार्टी चेहरे के साथ जाएगी, पंजाब के चेहरे के साथ जाएगी, और पंजाबियों को उस पर नाज होगा, मान होगा। तो जब आप कहते हैं कि पंजाब के चेहरे के साथ जाएगी, तो बीच में जो पोस्टर लग गए थे सोनू सूद के, क्या वैसा कोई कैंडिडेट हो सकता है, कोई बाहर का हो सकता है? KC सिंह साहब की भी बात हुई थी जो पुराने डिप्लोमेट हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। पता क्या, सोशल मीडिया पर हमारे तो मतलब ट्रेंड करते रहते हैं रोज कि सोनू सूद आ गया, किसी ने बोल दिया जी KC सिंह, किसी ने बोल दिया SP ओबराय, किसी ने बोल दिया प्रताप बाजवा भी बोल दिया था ना, तो कोई भी कुछ बोल देता है। लेकिन आम आदमी पार्टी PAC में बैठकर पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक चेहरा डिसाइड करेगी जो वॉलंटियर्स को, वर्कर्स को, अहदेदारों को पसंद हो। एक जो पंजाब के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि पंजाब में जो किसानों की पार्टी है, अगर उसके साथ आपका तालमेल होता है तो एक बहुत मजबूत शक्ति के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर सकती है। इसमें अड़चन कहाँ आ रही है? आप लोग सीट नहीं देना चाह रहे उनको, उन लोग ज़्यादा सीट मांग रहे हैं, आप लोग सिर्फ 30 देना चाह रहे हैं, उन लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, या उन लोग 30 मांग रहे हैं, आंकड़ा क्या है? दिवांग जी, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, पंजाब का प्रधान हूँ, ना तो पंजाब लेवल पर, ना ही दिल्ली के किसी लेवल पर हमारी उनसे कोई बात ही नहीं हुई है। वो ये मांग रहे हैं, ये वो मांग रहे हैं, इतनी मांग रहे हैं, हम उतनी दे रहे हैं, ये सवाल पैदा ही नहीं हो रहा। जब हमारी बात ही नहीं हुई है उनसे, तो सवाल कहाँ से पैदा हो जाएगा?
क्या अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप पार्टी के प्रमुख हैं यहाँ पर, आप इसका समर्थन करेंगे, तालमेल होनी चाहिए उनके साथ? देखते हैं आगे आने वाला समय क्या कहता है, लेकिन अब तक हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। क्या ये बात हुई थी बीच में कि राज्यपाल साहब से आप आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाए, मुख्यमंत्री पद के चेहरा हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात राज्यपाल साहब ने खुद मना किया है, खुद इस बात को डिनाई किया कि मेरा कोई ऐसी बात नहीं हुई है, मैं तो सिर्फ किसानों के संगठन के साथ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। एक नया ट्रेंड पंजाब में देखा जा रहा है कि लोग हिंदू मंदिरों में बहुत जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे हिंदू मंदिरों में जा रहे हैं जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं है, हिंदू खुद नहीं जानते हैं, ऐसे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है पंजाब की राजनीति में? कैसे मतलब, कौन कौन? सब लोग जा रहे हैं, जितने भी बड़े नेता हैं वो सीधा सबसे पहले आजकल मंदिर जाते हैं। मंदिर की राजनीति पंजाब में क्यों हावी हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी तो सेकुलर पार्टी है, हम दुर्गाना मंदिर में भी माथा टेकते हैं, तो हम दरबार साहब में भी जाते हैं, तो हम सब धर्मों का सत्कार करते हैं। हम नफरत की राजनीति जो है उसका सख्त विरोध करते हैं। दिल्ली में हम स्कूलों, बिजली, पानी, अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिकों के मुद्दे पर लड़ रहे थे, दूसरी पार्टी वाले शाहीन बाग मंदिर मस्जिद पर लड़ रहे थे, और आतंकवादी पता नहीं क्या क्या, और अरविंद केजरीवाल को कहा जा रहा था, लेकिन दिल्ली के लोगों ने कहा कि नहीं, हम विकास की राजनीति की तरफ जाएंगे, हम तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। जब आप चुनाव लड़ रहे थे अपना पहला संगरूर से, उसमें मैंने तब भी एक सवाल पूछा था जो मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि आपको इस बार स्पीच में कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं, और आपको बड़े मज़ेदार रंग दिखाई देते हैं अपनी स्पीच में पंजाब में? देखो, जब भी मैं बोलता हूँ मैं दिल से बोलता हूँ, और जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। मैं कोई लिख के नहीं, पढ़ के नहीं बोलता हूँ, जो समाज में हो रहा है उसको मैं सीरियस भी बहुत बोलता हूँ, गंभीर भी बहुत संजीदा बोलता हूँ। लोग पसंद करते हैं कि हाँ यार, हमारे मुद्दे उठ रहे हैं कि चूल्हों की आग जो है वो बंद हो रही है, शमशान की आग जो है वो उसकी लपटें जो हैं ऊँची हो रही हैं, तो हमें शमशान की आग को बुझाना होगा, चूल्हे की आग को बचाना होगा, तो बोलते रहते हैं। और बाकी बात ये है कि सीधी सी बात है देवांग जी, पोस्टर लगाने से या बोर्ड लगाने से बसों पर कोई दिलों में नहीं बसता, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूँ कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये अपने चुनाव से पहले बना रखा था, ये बहुत बहुत बार बोला है मैंने, और लोग इसको पसंद करते हैं, और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए भी मैं बोलता हूँ कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, जो आखिरी कपड़ा मिलता है उस पर कोई सीन नहीं होती है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि क्या जब आप केजरीवाल से साहब से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कभी इस बारे में भी बात होती है कि मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए पंजाब के लिए? जनरली कोई बातचीत होती है, इंडिविजुअल्स के बारे में बातचीत होती है? सीएम साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे फादर फिगर हैं, और जब भी कोई सलाह लेनी होती है फ़ोन करते हैं, उठा बात करते हैं, उन्होंने अब मेरे से बात करनी है तो उठाते हैं, गाड़ी में फ्रेंडली माहौल रहता है, ठीक है ना, तो क्योंकि हम डिप्टी सी एम ये सब जो हैं वो एज मेट हैं ऑलमोस्ट सारे, सो फोर्टीज़ या लेट फोर्टीज़ में, तो फ्रेंडली माहौल रहता है। जिस दिन सीएम के मुद्दे पर बात करनी होगी वो मेरे से कर लेंगे, मैं उनको सलाह दे दूँगा। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ कि चूँकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट है, आपको क्या लगता है कि सीएम के लिए पंजाब में जो भी सीएम हो उनमें तीन क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए ताकि वो अपना काम सही ढंग से कर सके? क्या तीन खूबियां होनी चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री में? देखिए, खूबियां तो बहुत होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए, अकेली तीन से नहीं चलेगा। दीवार के अगली पार क्या लिखा है उसको ये पढ़ना चाहिए, जो पंजाब की अमन शांति को कायम रख सके, जो पंजाब के युवाओं को जो है वो विश्वास में ले सके कि हमें यहीं पे काम मिलेगा, हमें अपना घर ठीक करना होगा, हम इस धरती को, इतनी फर्टाइल धरती को छोड़कर नहीं जाना है, ठीक करेंगे, जो पंजाब के लोगों को, 3.25 करोड़ लोगों को एक धागे में प्रो के रखे, ये क्वालिटियाँ होनी चाहिए। और बहुत बार कोशिश हुई है पंजाब की भाईचारक सामाजिक बॉन्ड को तोड़ने की, लेकिन नहीं टूटा भाईचारक सांझा, ठीक है ना, तो मैं यही कहूँगा आखिर में कि
कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। ये जो तीन खूबियां हैं, इनमें से कौन सी खूबी है जो आप में नहीं है? देखिए वो तो टीम वर्क होता है, देखो हर रोज तो सचिन भी सेंचुरी नहीं लगाता था, फिर कौन सी ऐसी खूबी जो आपने बताई जो आप में नहीं है? अब टीम काम करेगी, इससे भी ज्यादा खूबियां आपको नजर आएंगी।